This call is now being recorded. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई बुद्धिज्म या जैनिज्म क्या है। भाई हमें पता है कि हमारा हमें पता है कि दो प्रकार का क्या होता है, इंडियन लॉजिक होता है, एक आपका होता है और आपका ऑर्थोडॉक्स, आपका हेटरोडॉक्स। जो आपका ऑर्थोडॉक्स है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, छह प्रमाण, छह जो आपका जो फिलोसफी है, जो छह जो स्कूल है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका, वो क्या है आपका जो हेटरोडॉक्स बचा हुआ था दो, आपका एक आपका बुद्धिज्म, आपका जैनिज्म, दो जो आपका बचा हुआ था स्कूल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई आप सभी को पता है कि जो बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि आप सभी ने इसको पढ़ा है कि स्कूलों में पढ़ा है, इसके बाद कॉलेज में बहुत सारे बच्चों पढ़ा है, तो सभी को याद होगा बुद्धिज्म आपने सभी पढ़ा है। तो सबसे पहले बताना कि बुद्धिज्म के जो फाउंडर कौन था, मतलब फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध। तो आप सभी को पता है कि भाई जो आप सभी को पता है कि जो भाई जिसका जो फाउंडर है बुद्धिज्म का, वो कौन है आपका, वो आपका है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, मैंने बस यहाँ पॉइंट दिया है, ज्यादा नहीं मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एट फर्स्ट सभी को पता होना चाहिए कि भाई इसका जो फाउंडर कौन है, फाउंडर जो आपका स्टैब्लिश कौन करा था, बुद्ध। ठीक है, उसका जो जो बाल्य का नाम क्या था, चाइल्ड नेम क्या था इसका, जो गौतम, उसका जो गौतम नाम था, उसका सिद्धार्थ भी नाम था, दो नाम था ना, गौतम सिद्धार्थ, क्योंकि उसका जो मासी था उसका नाम गौतम ही था, उन्होंने इसका पालन लालन पालन किया था, पालन किया था, उसके बाद मम्मी का देहांत होने के बाद उन्होंने पालन किया था, उसके बाद उसके जो मासी था उसके नाम के अनुसार उनका नाम हुआ गौतम। ठीक है, और उसके बाल्यकाल में जो नाम था वो आपका क्या था, सिद्धार्थ। समय काल कितना था इसका, इसका जो समय काल आपका था 6th century BC, 1563 से लेकर 483 BC से आपका यह क्या था, यह उसका जो आपका यह टाइम था। कहाँ पर जन्म हुआ था बुद्ध का, उनका जन्म हुआ था नेपाल का लुम्बिनी नामक गांव में, उनका जन्म हुआ था कपिला वस्तु में। ठीक है, उसका हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसके जो इनलाइटनमेंट कब हुआ था, उन्होंने 29 सालों में क्या करा था, 29 जब बच्चों हुआ था उसका, उन्होंने घर छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने 35 साल में उसके इनलाइट में हुआ था, मतलब क्या मिला था उसको, समाधि, हाँ निर्वाण लाभ हुआ था ना, ज्ञान मिला था, बुद्ध ज्ञान जो मिला, बौद्ध जिसको ज्ञान बोलते हैं, इसलिए हाँ, गौतम बोधिसत्व। हाँ, जो आपने नाम सुना है कि बुद्ध जो जिनका उसका नाम जब उसका 35 में जब इनलाइट में हुआ, उसके बाद उनका नाम हुआ था बुद्ध। पहले जो उसका नाम क्या था भाई, क्या था, सिद्धार्थ नहीं, उसके बाद क्या उसका नाम पड़ा, बुद्ध। कब हुआ था इसको याद रखना, ये आपका पेपर टू में भी आ सकता है, पेपर टू में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि भाई आया था इस बार कि भाई जो बुद्ध का इनलाइटमेंट कब हुआ था, आपको साल आपका बताना है कब हुआ था, 35 सालों में हुआ था। ठीक है, 35 वर्ष जो हुआ था उनका, तब उनका हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध क्या करता, बुद्ध हु वन द व्हाट एवर कैन बी नो इनलाइटनमेंट वो कुछ हो गया था वाला। तो बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म आपका जो तीन प्रमाणस को स्वीकार करता है वो क्या क्या है, फिर दो प्रमाणस को प्रत्यक्ष और अनुमान, दो प्रमाणस को इन्हें क्या एक्सेप्ट करा है, प्रत्यक्ष अनुमान। तो चार वाक कितना करा था भाई, चार वाक प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन, उसका वाणी क्या था भाई, उसका ये मूल मंत्र था ना चार बात का, क्या था, सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, मूल मंत्र था जीवन पियो ऐश करो, हाँ एक ही बार मिलता है, कर्जा लेके भी ऐश करो, ऐसा था ना, हाँ कि कर्जा करके आपको जो है उधार करके घी खाओ, ताकि उधार करो खाओ यस करो, जिंदगी में एक बार मर जाओगी, दोबारा जन्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देह का विनाश हो गया तो आत्मा का विनाश हो गया था। तो बुद्धिज्म क्या है, मैंने बोला था कि भाई दो प्रकार के नास्तिक दर्शन हो गए, आपका आंशिक नास्तिक है इसके पूर्ण नास्तिक, पूर्ण में आपका था चार्वाक, आंशिक में क्या आता है बुद्धिज्म। क्यों आता है कि बुद्धिज्म जो है वो क्या मानता है, वो थोड़ा बहुत क्या मानता है, वो पुनर्जन्म को मानता है, कि पौरलोक भी कुछ जो हम लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म कुछ भी बात होता है,
तो वो मानते हैं, बुद्ध जो मानते हैं कि हाँ भाई इस जन्म में आप कुछ करेंगे, खराब काम करेंगे तो आपको अगले जन्म में भोगना होगा, आप इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो आपको अगले जन्म में क्या होगा, आप अच्छे फल पाएंगे, है ना। तो बुद्धिज्म क्या है, आंशिक नास्तिक है वो, थोड़ा बहुत क्या है वो, और जो आपका है पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं उन्होंने क्या कहा, उसका जैसे हमने देखा था कि भाई सांख्य का क्या क्या होता है, लक्ष्य क्या था, निर्वाण लाभ का सॉरी मोक्ष लाभ करना, योग में क्या था ह्यूमन का गोल क्या था, कैवल्य लाभ करना, कैवल्य, कैवल्य। कैवल्य जैसे ही क्या है बुद्धिज्म में क्या है, ह्यूमन जो है उसका लाभ का क्या है आपका, निर्वाण लाभ, ठीक है। ह्यूमन लाइफ का गोल क्या होता है, निर्वाण लाभ करना, ठीक है। तो आपको निर्वाण लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए ना चार आपको क्या नोबेल ट्रूथ दिया है, आप सभी इसको जाना है ना, सबको पता है ना सब, कि दुख समुदाय, दुख निरोध, हाँ दुख है समुदाय निरोध और मार्ग। इसका जो होता है कि दुख है, दुख का क्या है कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख का निरोध का उपाय भी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ध्यान की दस द ट्रूथ ऑफ सफरिंग दुखा, उसके बाद दुखा कॉज सफरिंग, ट्रूथ ऑफ द इंड सफरिंग, निरोधा द मार्ग। वो मार्ग क्या है, कैसे आपके दुख जो आपका है जो मार्ग, कैसे आप इसको जो पार कर सकते हैं आपका दुख का, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एट फोल्ड का नाम दिया था। क्या क्या है बताओ आपको, जो आपका शारदर्शन क्लास होता है ना शारदर्शन का, तो दृष्टि, यस सर, पढ़ वहां पर नहीं पढ़ा अभी तक मैम ने। लिए हैं सर, अच्छा अभी क्लास में नहीं पढ़ लिया सर, यहाँ आप सभी तो नाम पढ़ा है ना, इसका क्या क्या नाम होता है, दृष्टि, एट फोल्ड। सम्यक संकल्प, सम्यक प्राक, सम्यक कर्मांड, फिर है सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आठ क्या है आपका यहाँ पर, वो क्या है एट फोल्ड ऑफ पाथ क्या है, निरोध नोबेल ट्रूथ, ये सब क्या है, ये फोर्थ नोबेल ट्रूथ ऑफ है। और ये आपको जो इसको क्या करना है मार्क, जो क्या है उसका मार्क आपका है एट फोल्ड ऑफ पाथ, जो आपका क्या है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आपका क्या है, ये आपका एट फोल्ड ऑफ पाथ है, इन सभी दुखों का मार्ग है, ठीक है। ऐसे आपका क्या है मिल सकता है। तो बुद्धिज्म के लिए हमारा पेपर वन के लिए आप इतना याद रखेंगे तो काफी है, इसके ज्यादा आप ना भी याद रखें तो काफी है, ठीक है। ओके तो सेकेंड क्या है, पहले क्या होता है, समुदाय, पहले हाँ सेकेंड वाला क्या है, ये जो लिखा है, समुदाय समुदाय कॉजेस ऑफ और सफरिंग समुदाय फोर्थ वाला माग की मार्ग, मार्ग है, हाँ मार्ग, उसे मार्ग होता है वो, इसका जो मैंने बोला कि दुख है पहले के ट्रू तो सफारेंगे, दुख है दुख का कारण है, कौन से सफारेंगे दुख का कारण है, दुख क्या है, दुख का निरोध हो सकता है, और दुख कैसे निरोध होगा उसके लिए उसका कुछ उपाय भी है, ठीक है, उसके लिए उसका मार्ग दिया है, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना, नोबेल ट्रूथ ऑफ जो है आपका, इसको क्या कहता है हिंदी में, क्या कहता है ये जो एटफोल्ड पाथ है उसको तो बता दीजिए एक बार। वो आपका तो अरे आर्य सत्य अरे अष्टांगिक होता मार्ग चार सर, सत्य, अरे अष्टांगिक आर्य सत्य होता है मार्ग, ना, हाँ ये आपका होता है अष्टांगिक मार्ग, ये आपका होता है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। इस मार्ग को जो है कैसे आप इसको निरोध कर सकते हैं, उसके लिए आपके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्थिति और सम्यक समाधि, ये आपका है। आप कहेंगे सर सम्यक दृष्टि क्या होता है, सम्यक संकल्प है, ये इतना जानना नहीं है आपका पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए आप जानना है तो आप जो मैम पढ़ाएंगे कर लेंगे, नहीं आपको जानना तो बता देता हूँ फिर। सम्यक दृष्टि मतलब क्या है कि आपको अच्छे जो आपका दृष्टि क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सम्यक संकल्प जो भी आप कार्य करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक आप जो भी बात करेंगे किसी का हानि कैसे बात नहीं करेंगे, जो किसी का हानि हो आप बात कर लेंगे तो। सम्यक कर्म, कर्म क्या है, कर्म क्या होना चाहिए, कर्म में आपका जो हमने पढ़ा था कर्म क्या होता है, वो कर्म आपका है कि निष्काम कर्म करना है आपको, जो आपको इसी के लिए, क्योंकि योग का मार्ग क्या है निष्काम कर्म, कि निष्काम कर्म करेंगे तो आपको मिलेगा। उसके सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्थिति, आपको व्यायाम भी करना चाहिए आपको शरीर को ठीक करने के लिए, उसके लिए स्थिति है। लास्ट आपका क्या, सम्यक समाधि, तो ये आपका क्या है। तो ये आपको यह चार चीज याद रखना है, पहले आपको याद रखना है स्मृति कि भाई इसका वाक,
स्मृति में स्मृति मतलब क्या? स्मृति मतलब होता है जो आपको याद रखना, रिमेम्बरिंग, जो आप ओके बताया गया है कुछ करने के लिए, क्या क्या करना होगा, वो बात याद रखने के लिए, वो सब जो आपका यहाँ पर है, क्या क्या आपको याद रखना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है भाई कि बुद्ध का जो है, बुद्धिज्म का स्टैब्लिश कौन करा है, फाउंडर कौन है, तो कौन है आपका, मोटा मोटा कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध, बुद्ध, गौतम बुद्ध। महात्मा उसका छोटा बाल्य का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जन्म काल आप याद रखेंगे तब भी चलेगा, इसको भी ना याद रखें तब भी चलेगा। इसको याद रखना है कि भाई कब उन्होंने घर छोड़ा था, 29 साल में, कब उन्होंने इंटरनेट हुआ था, 35 सालों में, ठीक है। उसके बाद कितने प्रमाण को स्वीकार करा है, प्रत्यक्ष, दो प्रमाण को, प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि उसका मेन लक्ष्य क्या था, ह्यूमन को कैसे मिलेगा, तो उसका मेन लक्ष्य निर्वाण लाभ करना, इसको याद रखना। उसके बाद फिर चार ऐसे सत्य है, फिर इसको याद रखेंगे, बस नाम भी याद रखना हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, ये एट फोल्ड नहीं आता है इतना कुछ। तो सर मोटा सबने मोटा सा इसलिए आता है मतलब कि वे कितने प्रमाण को स्वीकार करा है, इसका मेन लक्ष्य क्या आता है, कैसे आप, जैसे हमारा योग का था कैवल्य, तो इसका मेन लक्ष्य क्या है, ह्यूमन लाइफ का, तो निर्वाण लाभ करना, इसको याद रखना है कि भाई फाउंडर कौन है, बस इससे अब याद रखेंगे, मोटा मोटा शब्द हो जाएगा, ठीक है। सर सम्यक मतलब पूर्ण होता है हाँ सम्यक, कि आपको सब सब आपको सब में आपका क्या है, सम्यक मतलब होता है कि आप एक कुछ जुड़ा होना, सम्यक। अच्छा सर, अच्छा शुभ या अच्छा मीनिंग है सर सम्यक का? सम्यक अच्छा का मतलब शुभ, यथार्थ से अच्छा लिया गया शुभ है। ऐसे हो सकता है, ये मुझे इतना पता नहीं भाई, ऐसे यही नाम होता है सम्यक लक्ष्मी जी दृष्टि। आप क्या बता रही थी? यथार्थ मैम, क्या या फिर समता का भाव होना, सम सम रखना अपने आप को, नहीं, बैलेंस। बैलेंसिंग में सम्यक दृष्टि मतलब आपका दृष्टि में क्या होना चाहिए, क्या शुभ मुझे शुभ या अच्छा मीनिंग समानता, करा था सर कहीं। अच्छा होना चाहिए ना दृष्टि में। अब सम्यक दृष्टि, अब दृष्टि में किसे बैलेंस लाएंगे फिर, सर इसका मतलब ये है कि अच्छा देखो या बुरा देखो, आपके मन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सब एक हाँ जैसा। उसी, हाँ उसी, जैसे बुद्ध ने करा था ना कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि, जैसे उन्होंने करा था भाई कि आप जैसे भी हो वैसे हो, बस लोगों को देखना है आप कि कैसे आप कर रहे हो कार्य, कैसे कर रहे हो। वो भी तो कह रहा है कि आपके विचार अच्छा होना चाहिए, आपका जो जो भी बात कर रहे हैं आप, आपके बातों से किसी का हानि नहीं होना चाहिए, आप अच्छे कार्य करें जिसको समाज के कल्याण हो, ऐसा कार्य मत करें जो समाज का कल्याण ना हो, ऐसे ही है आपका, तो ये सब आपका है। अब जाते हैं जैनिज्म में, जैनिज्म पढ़ा है ना, सभी पढ़ा है ना जैनिज्म, नहीं पढ़ा है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर एमएससी वाले, सभी एमएससी या एमए वाले, सबको तो पढ़ाया जाता है जैनिज्म, बौद्धिज्म, चार्वाका, ये सब दर्शन वगैरह पढ़ाया था ना, पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं डिपार्टमेंट में, हैं सर। सर बुद्धिस्ट में बस यही है, अष्टांगिक मार्ग, बस उसके बाद एक और था ना शायद स्लाइड। नहीं यही से कुछ नहीं, बुद्धिज्म के दो ही स्लाइड है, अब आएंगे जैनिज्म में, इतना जान लो, इतने काफी है, उतना जानो मत, ठीक है। मैं आपको पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, पेपर 2 के लिए आपको ज्यादा पढ़ना है, तो मुझे जितना लगता है कि पेपर 1 पेपर 2 के, हाँ आप कूल हेलो होके पढ़ाते हो। हेलो, क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, सर कूल होके पढ़ाते हो आप, कूल होके। क्योंकि मुझे जितना आपको चाहिए पेपर 1 के लिए इतने पढ़ाता हूँ, ज्यादा पढ़ा क्या करूंगा, आपको भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आपको, किसी के याद ही नहीं है कि भाई कितना प्रमाण, अब मैंने बोला न्याय में कितना प्रमाण है, वो बता दिया 5 प्रमाण है, पढ़ो ही नहीं आपको ही। उसके बाद मैंने आपका, मैंने वो सीक्वेंस बताना बोला योग का, वो भी बता, आपने बता रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि जितना मैं मोटा मोटा पढ़ा उतना याद रखो, ज्यादा याद मत रखो, ठीक है, पेपर 1 के लिए इतना काफी है, पेपर 2 के लिए आपको और भी पढ़ना है बस। जैनिज्म, जैनिज्म में क्या है, जैनिज्म, जैन, तो सबसे पहले बताओ कौन सा ओल्ड है, बुद्धिज्म या जैनिज्म, कौन सा ओल्ड है बताओ भाई, कौन सा पहला आया था, जैनिज्म या बुद्धिज्म,
बुद्धिज्म जैनिज्म आया था सर बुद्धिज्म पहले, आया था शायद, जैनिज्म आया था, बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछ लेना आपका कौन सा पहला था, बुद्धिज्म जैनिज्म बताओ। जैनिज्म सर, पार्श्वनाथ, क्योंकि जैनिज्म 24वें थे पार्श्वनाथ पहले थे अच्छा सर उनके, 24वें थे ये महावीर बुद्ध, महावीर जो थे, अरे अपने महावीर वो 24वें थे ना सर, और पहले पार्श्वनाथ थे ना, अच्छा पाकिस्तान का नाम यार। मैंने बोला कि भाई सबसे पहले कौन आया धर्म आपका, किसने बनाया, धर्म जैन धर्म किसने बनाया? पार्श्वनाथ वीर ने नहीं, मुझे लगता है महावीर ने पहले इस्टेब्लिश किया। महावीर ने किया, नहीं महावीर 24वें तीर्थंकर थे उनके, पहले पार्श्वनाथ थे। किया ऋषभ देव पहले ऋषभनाथ था, बुद्धिज्म ऋषभ, थे। ऋषभ नाम सुना है आपने? हाँ हाँ ऋषभ देव थे वो पार्श्वनाथ। पहला था। आप जो पार्श्वनाथ के वो 23वां नंबर था, 24 तीर्थंकर था आपका महावीर जैन। नहीं है तो 24वें ही, पर बुद्ध बुद्ध जैनिज्म जो बना था। ना वो किसने बनाया? इस्टाब्लिश इन्होंने कहा पहले पहले हाँ जब था पहले, उसके बाद जो धर्म को फैलाया पूरा कार्य करा ये महावीर जी ने, महावीर जैन ने, ठीक है, उसीलिए इनका माना जाता है इस्टाब्लिश ऑफ महावीर जैन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्टाब्लिश मतलब महावीर जैन 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर को था, 24 तीर्थंकर में ये आपका एक तीर्थंकर है जो महावीर जैन है, 24वां तीर्थंकर यही था महावीर जैन। तो अब इस्टाब्लिश कौन करा था, महावीर जैन ने, ठीक है। इसका चाइल्डहुड का नाम क्या था, वर्धमान, नाम सुना है कभी? यस सर, हाँ जी सर सुना है, सर, सुना है ना। और एक नाम था इनका फिर, नहीं था ना, यही था वर्धमान ही था। इसका समय काल कब था, समय काल आपका था 7th से 5th सेंचुरी BC, ठीक है, 540 से लेकर 400, 400 कितना है सर, 68 इतना ही होगा। उसके बाद जैन क्या है, हु इज द कॉन्कर द सेंस ऑफ द अंतकरण, जो आपका पांच अंत, चार तीन आपका जो अंतकरण है, चार अंतकरण है ना, अंतकरण कितना है बताओ, चार अहंकार, चार अंतकरण है ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सर नो जी यस सर, तो चार अंतकरण। उसको आदमी ने कहा कि भाई इसका जो इन्होंने भी घर छोड़ दिया था, मतलब कुछ हुआ नहीं, शादी वादी कर लिया, घर छोड़ दिया, चलो यार बच्चे कौन देगा यार, कोई बच्चों को नहीं देगा, अलग ही इनका है, इनको बुद्ध कहते हो। इन्होंने क्या करा, शादी कर लिया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मुझे यार संस्था में नहीं रहना है, छोड़ दो, बच्चे को कौन पालेगा फिर इसके बाद 30 जो था, 30 साल में इन्होंने घर छोड़ दिया था, 42 में क्या इनलाइटमेंट में हुआ था, ठीक है। ये जो आपका फिलोसोफी सर ये तो राजा के पुत्र ही थे ना, दोनों ही, ये भी राजा के पुत्र तो थे, ये भी पालन पोषण तो हो ही जाएगा। उन्होंने हो ही वर्ल्ड जाएगा का फिर। उद्धार करने का सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, पहले तो परिवार का उद्धार होता है पहला तो अपनी परिवार को उद्धार कर ले, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कर दिया जो मेन है सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है। अपने घर का तो अच्छे संभाला नहीं ना। मुझे लगता है ये ठीक नहीं नहीं करा ये उन्होंने। छोटी सी चीज होती है, ये आप सोचोगे तो उन्होंने जो सिखाया वो आप कभी नहीं सीख सकते, हाँ उसके वो भी लिए ठीक नहीं करा, उन्होंने मैं छोड़ा। ये यहाँ सोचो ना सही आपकी, उन्होंने सब कुछ त्यागा, राजा के पास किस चीज है, की कमी होती है, थोड़ा बड़ा सोचना मैं चाहिए रिस्पेक्ट ना। करता हूँ उनको, मैं राइट रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत बच्चे के सोच रहा था कि भाई क्या मजबूरी था बच्चे का, कि भाई पैदा हुआ बस पापा को देखने भी नहीं मिला, थोड़ा दिन उसके लिए प्यार ला, प्यार भी नहीं कर सका अपने वापस पिता से, तो प्यार क्या प्यार होगा। व्यार तो उन्होंने बोला अपने ना एक सर कि बच्चे को नहीं देखा, प्यार तो बंधन है, ये तो बच्चे को नहीं देखा अटैचमेंट है उन्होंने, ना, ये अपने सारी के लिए चीजें सोचा, आप उसी में घूमते रहते हो फिर। ये वो भी सोचा था आपका कि अलग भाई पूरे मेरा जो संसार के कल लिए सोचा, एक बच्चे को बलिदान करा पूरे संसार के लिए सोचा सर, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ने मोह उन्होंने माया कहा है कि भाई ठीक है, मैं इसलिए। मुझे क्या करना है, मुझे और कार्य करना है समाज के लिए, उद्धार करना है, उसी उसका मोटो यही था कि मुझे समाज का उद्धार करना है, तो समाज फिर के शादी कल्याण कर करना है। क्या कितना, और बुद्ध जी के लिए तो, बुद्ध के लिए कहा जाता है कि ये जो चीज थी ये इनको उनके पापा को बहुत पहले बता दी थी, तो उनके पापा ने जो राजा थे उन्होंने उनको बाहर की दुनिया से दूर रखा, उनको बताया ही नहीं बाहर क्या हो रहा है,
तो जब वो जब बाहर निकले एक बार, तब उनको दिखा कि मतलब जिंदगी क्या होती है, कैसे लोग जीते हैं और परेशान होते हैं, तब फिर उन्होंने ये सब त्यागा। ठीक है, उसको बात लिखा है या जो ये जो स्कूल है आपका, तीन प्रमाण को स्वीकार करता है, मानते हैं ऐसे करते हैं आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रमाण को क्या एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटा क्या देखा भाई, मोटा देखा भाई, इसका जो स्टाब्लिश कौन है, महावीर जैन है। बाल्य का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या हुआ था, 7th सेंचुरी था। क्या हुआ था, अंत्यकरण को जो आपको उन्होंने कहता है, सेंसर को मानते हो, हु इज द कंकर ऑफ सेंसेंस, तो अंत्यकरण कैसे आपका होगा, अंत्यकरण के द्वारा आपका ये सब मिलेगा। और क्या है कि 30 साल को उसमें घर छोड़ दिया, और 42 में उनका इनलाइटमेंट हुआ। उसके बाद तीन प्रमाण को स्वीकार करा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। अब आते हैं, ये सभी आपने सुना है ना, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनका लक्ष्य क्या था कि आपको ह्यूमन लाइफ को क्या है, मोटो क्या है आपका, मोक्ष। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, निर्वाण। बुद्धिज्म में क्या है, निर्वाण। मोक्ष कि यहाँ पर क्या है, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष। तो यहाँ पर आपने ये भी ये सुना, एग्जाम में आया था ये वाला, एक बार आया था कि त्रिरत्न एग्जाम में आया था, आपने पेपर 2 में देखा है, एक क्वेश्चन आया था 2007 2018 मतलब आया था क्वेश्चन, कि जैनिज्म में त्रिरत्न का सिक्के सब बताएं, आया था। तो क्या है त्रिरत्न आपका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये क्या है, ये आपका है त्रिरत्न, रत्न। ठीक है, सर, ये त्रिरत्न जैनिज्म आपका है के हैं, जी। ये जैनिज्म में है, हाँ, जैनिज्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। जी। हाँ, जैनिज्म में है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये आपका ओके जैनिज्म में ही है, यहाँ ओके पर है ओके सर, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। आपका मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ये जो आपका है तीन आपको पालन करना होगा, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आप जो भी दर्शन कर रहे हैं उसका भी आपका दर्शन में खोटा नहीं होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और आपका चरित्र भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उससे नहीं बचा के सम्यक दर्शन ज्ञानम चरित्र चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उनका त्रिरत्न है। उसके पर मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, पंच महाव्रत जो है उनके बारे में बात करा है। पंच महाव्रत क्या क्या होता है, पंच महाव्रतम नाम ने सर सुना है पढ़ा, ना। हाँ यम है शायद, यम जो हम हाँ, पढ़ते हैं यम ना। का जो पाठ आपका है, चम पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रह और ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर भी ये क्या है, जो पंच महाव्रत का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो पंच ब्रह्मव्रत से आपको क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। तो यहाँ पर पंच महाव्रत की भी बात किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो पंच महाव्रत की बात करते हैं कौन में, आपका जैनिज्म में। ठीक है, ओके, हो गया। तो अभी तक जो हमने पूरे दर्शन आपका पढ़ा, हमने 6 दर्शन आपका आस्तिक दर्शन, आपका 3 आपका नास्तिक दर्शन, इसमें से किसी का क्वेश्चन हो जल्दी बताना, मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जल्दी बताना। किसी का कोई दिक्कत, कोई गली शिकवा बता सकते हो जल्दी से। हेलो, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैं सर पिछले एग्जाम में ये आया सेकंड पेपर में कि बुध के त्रिरत्न, बुध के नहीं, जो जैन का है त्रिरत्न। ठीक है, इसमें बुध के अगले क्वेश्चन। त्रिरत्न रखे हुए हैं, बुध का त्रिरत्न जैन वो क्या है हो सकता वो? है, हाँ बुध लेकिन का अवसर में त्रिरत्न यही भाई, है, सम्यक आदि और सम्यक जैन क्या व्यायाम और सम्यक समाधि, अवसर में ये है। तो ये त्रिरत्न है, ये तो वो जो 8 स्टेप बताए थे उन्होंने। नहीं, नहीं, त्रिरत्न आपका जैनिज्म में है। ठीक है, इसको आप बुलाना मत, ये त्रिरत्न जैनिज्म में है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पढ़ा है भाई, उसीलिए मैं डाला। मैं जो नहीं पढ़ता मैं नहीं डालता हूँ, जो मुझे नहीं आता है मैं नहीं डालता हूँ, मैं जो मुझे आता है मैं डालता हूँ। तो त्रिरत्न इसमें ही है आपका, आप कन्फ्यूजन मत हो ना, त्रिरत्न आपका जैनिज्म में ही है। ठीक है, ओके, हाँ ऐसा त्रिरत्न त्रिपिटक नाम के बुक में है ये, इसका नाम भी अच्छा।
त्रिपिटक अलग दूसर है, ठीक है, वो आपका विनय पिटक, सत्य पिटक, अवैधर्म पिटक, वो अलग है, वो आपका तीन बुक्स है उनका, बौद्ध जन का, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। आपने जो कह रहे हैं कि जो त्रिपिटक वो आपका बुक्स है, ठीक है, ग्रंथ है उनका बौद्ध जन का, जो आपका है कि विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधर्म पिटक, ये सर नो, ये है ना। हाँ सर, हाँ तो त्रिरत्न आपका जैनिज्म में ही है, ठीक है, इसको याद रखने से, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सम्यक दर्शन ज्ञानम चरित्र मोक्ष मार्ग तत्व सूत्र, यहाँ पर है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। हो सकता है कि आप एक यहाँ पर तीन, यहाँ पर नहीं, हो सकता है कि आप यहाँ पर ऑलरेडी दूसरा दिया था कि सम्यक दृष्टि ऐसे कुछ दिया था, आपने देखा नहीं, तो वो आपका होगा त्रिरत्न, आपका वही होगा, बुद्ध नहीं, जैने का है, ठीक है। सर, वो मिक्स करके दिया था उस क्वेश्चन में, मतलब तीन इसके दिए थे, एक दो उसके दिए थे, तो मिक्स हाँ करके वैसे दिए हो सकता है, लेकिन जो थे। त्रिरत्न आपका यही है, ठीक मैंने देखा था क्वेश्चन सर भी। ओके है। मुझे क्वेश्चन भेजना फिर एक बार, मैं देखूंगा फिर, ठीक है। बताओ किसी क्वेश्चन नहीं ना अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपका, दर्शन का जो शायद आपका स्कूल जो पढ़ाया था, आस्तिक का छह, तीन आपका नास्तिक, उसमें किसी क्वेश्चन नहीं है, मैं समझता सभी को समझ में आ चुका है, यस और नो, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके बाद हमने, फैलेसिस पढ़ा था ना, फैलेसिस, सॉरी फैलेसिस नहीं, नए सिलोलिज्म पढ़ रहा था, है ना। यस सर, वही लास्ट टॉपिक था। हाँ, नए सिलोलिज्म में क्या क्या पढ़ा था हमने, पतिंजा, पांच आपका होता है, क्या क्या होता है, प्रतिंजा, हेतु उदाहरण उदाहरण, उपनयन निगमना। अनिर्गमन। हाँ तो ये हमने पढ़ा था, क्या है ये आपका पांच, क्या है आपका सिलोलिज्म है आपका नए का, जो पहला आपका है प्रतिज्ञा, उसके बाद प्रतिज्ञा व प्रतिज्ञा होता है, मैंने बोला था हेतु उदाहरण उपनया निगमना। तो ये आपको याद रखने का मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दो, ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक बता दो। जैसे मैंने बनाया था, हमने हमने सभी मिलकर बनाया था एक, कि फोन करा उसने, उठाया नहीं हमने, ठीक है, देखो याद होगा, इसको याद रखना तो पूरा आपको याद आ जाएगा, कि फोन करा उसने, उठाया नहीं हमने, इसका मतलब क्या है, पी एच यू यू एन, ठीक है, सीक्वेंस अलग है, यहाँ पर याद रखना कि फोन करा उसने, उठाया नहीं हमने, पी से क्या होता है प्रतिज्ञा, ठीक है, एस से क्या होता है हेतु, यू से क्या होता है उदाहरण, यू से क्या उपनया निगमना, उसने बनाया था कि फोन करा उसने, मतलब फोन मतलब पी से फोन होता है, उसने मतलब होता है फोन करा उसने, उठाया नहीं मतलब उठाया मतलब उदाहरण, उठाया नहीं मतलब निगमना, हमने पहुंचो हमने तो हेतु, ऐसा मैंने बनाया था, ठीक है, फोन करा उसने, उठाया नहीं हमने, पी एच यू एन, या आपको इसको भी याद रखो, पून लिखे याद रख सकते हो, पी एच यू एन, पून से याद रखते हो, ठीक है, चलो आपने बनाया सर, ये आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट बड़ा अच्छा है। हाँ क्योंकि दिल धोखा धड़ी खड़ा है ना, वो होता है, तो याद आ गया था सबके मिलते, तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ तो ट्रिक याद रखे, किसी के लिए नहीं खुद के लिए, तो उठा लिया मैंने कि फोन करा उसने, उठाया नहीं हमने। कूल है काफी आपकी चिल, तरह सर। चलो ऑलरेडी हो गया था सब, ये वाला हो गया था, ये वाला, चलो नया टॉपिक है आपका, जो आपका है फैलेसिस, ठीक है, नाम सर सुना है एक मिनट फैलेसिस क्या। सर, ये हाँ उपनय और निगम क्या होता है? उपनया निगमना, और उपनय आपका होता है, उदाहरण का मतलब क्या, एग्जाम्पल? रुको रुको बता रहा हूँ, नाम क्या है, लक्ष्मी या क्या, बता सकते हो? नाम क्या है आपका बताना एक बार, मेरा अरुणा। अरुणा जी, अच्छा, हाँ अरुणा जी, आप क्लास में थे उस दिन, हाँ सर, क्लास, रही तो होंगी, शायद कहीं बिजी होंगी तो सुना नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ पूरा क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिज्ञा हेतु इसको छोड़ दो आप,
इस दोनों का मैंने मैंने बोला था कि भाई पांच में से दो आप बॉर्डर दे देना। अच्छा ये कौन समझेगा बताओ, आगे कौन आएगा समझाने के लिए बताओ, कौन समझाएगा? सर उदाहरण होता है जैसे पता है कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, तो हम ये उदाहरण देते हैं कि हाँ कि जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा, तो ये उदाहरण हो गया। अच्छा ठीक है, उन्होंने उसका क्वेश्चन था कि सर उपमाना निगमाना क्या था, उपमाना निगमाना। ठीक है मैं बता रहा हूँ समझना, ठीक है अरुणा? बताओ। अरुणा होता हाँ कौन? जी, सर बता तो रहे। पांच प्रकार का सिलोलिज्म होता है न्याय में, ठीक है? आपका होता है प्रत्यंजा, हेतु, उदाहरण, उपमा, निगमना। उनसे जो आपका है, हमने जो एरिस्टोटल का पढ़ा था याद है, एरिस्टोटल का सिलोलिज्म याद है आपका? याद है थोड़ा दो दो थोड़ा, प्रीमाइस के बेन से क्या होता है, एक कंक्लूजन निकल आता है, एक याद है? कंक्लूजन। यस तो यहाँ पर देखो कि वही जो आपका है उदाहरण उपन्न निगमना क्या है, वो जो आपका एस्ट्रोटिकल था उसी का इक्विवेलेंट कौन है आपका, उसी का इक्विवेलेंट आपका है ये उदाहरण उपन्न निगमना। देखो वहां पर हमने देखा था कि भाई दो मिडिल टर्म होता है, यस और नो? सर, दो नहीं एक ही होगा ना मिडिल टर्म तो। मिडिल टर्म दो होता है ना, प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू में। हाँ पर मिडिल टर्म तो कॉमन टर्म होती है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, समझो पहले। देखो यहाँ पर कि सा स्मोक हैज फायर, कि उसको होता है कि हील हैज स्मोक, देयरफॉर दिस हील हैज फायर। तो स्मोक स्मोक क्या है, ये दोनों क्या है, मिडिल टर्म है, यस और नो? यस तो हमने एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि दो प्रीमाइस के में जब दो प्रीमाइस के बेसिस से जब कंक्लूशन निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिलोलिज्म कहते हैं। इसी में तो सेम ही दिख रहा है आपको, उनका इक्विवेलेंट तो ही है। देखो यहाँ पर दो प्रीमाइस दिया है, दो प्रीमाइस से क्या है कंक्लूजन निकल आ रहा है, स्मोक इज फायर, स्मोक इज की धुआं में आग है, ठीक है? हील में क्या है, धुआं है, इसीलिए क्या है, हील में आग है। तो स्मोक क्या है आपका, मिडिल टर्म है। ये दोनों को हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, हील एज फायर। तो इसको उदाहरण कहते हैं, जो प्रीमाइस वन प्रीमाइस जो वन होता है उसको हम उदाहरण कहते हैं, प्रीमाइस टू को हम उपन्याय कहते हैं, कंक्लूशन को हम निगमना कहते हैं, ठीक है? ओके okay? हाँ सर, मैं तो वर्ड मीनिंग पूछ रही थी सर कि उपनयन का क्या और निगम का मीनिंग क्या होता है, वर्ड मीनिंग के हिसाब से तो याद अच्छे से हो जाता है फिर। उसका मीनिंग नहीं है, बस उन्होंने नाम दे दिया उपन्याय निगमना सर के, वो मीनिंग भी नहीं है। अब ठीक प्रत्यंजा का है सर, मीनिंग, ठीक है ठीक है सर। प्रत्यंजा हेतु, हेतु का मतलब मिडिल टर्म होता है। इसका मैं क्या बताऊँ फिर उसका प्रत्यंजा इसका जो कि नाम है जिसे का है वो आपका होता है, नाम का उसका मीनिंग नहीं है, एक ही नाम उदाहरण मतलब उधार एग्जाम्पल ही होगा। उपमान्याय मतलब होता उपन्यास है इररिलेवेंट तुम एसोसिएट कुछ होता है, और जैसे निगमना होता है तुलना, क्या कह रहे हो? उपन्यास जैसे सर तुलना करना। उपन्याय उपमित हो गया, तुलना करना उपन्याय मान लो नहीं जो इसी का जो आपका क्या कर वो एसोसिएट कर रहा है, प्रीमाइस वन में जो दिया हुआ है प्रीमाइस टू का जो एसोसिएट कर रहा है वो आपका उपन्याय होता है, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, प्रीमाइस वन में आपका सेम स्मोक इज फायर, और प्रीमाइस टू में क्या स्मोक हील इज स्मोक। तो क्या कर उसका एसोसिएट कर रहा है ना कि हाँ भाई धुआं क्या है, धुआं में आग होती है, हील में धुआं है, इसीलिए हील में आग है, पहाड़ी में आग है। तो हमने पढ़ा था, ऑलरेडी हो चुका था आपका, आज जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। ये जो उपनया है ये एसोसिएशन बताता है और उससे फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, वो निगम हो गया। हाँ ठीक भी आ गया। अब आते हैं, हमें नया टॉपिक है थैलेसिस के। टाइम कितना बताना एक बार, 10:05 सभी के पास सर। टाइम अवेलेबल है ना? जी आप सभी के पास टाइम अवेलेबल है? यस संडे है ना, तो कुछ ऑफिस जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है कुछ, सर, ठीक है? क्योंकि आज मैं ये कितनी बहुत सर बहुत जो आपका है बहुत सारे आज यहाँ पर है स्लाइड है, पूरे मैं कंप्लीट करूंगा आज, ठीक है? तो कितनी देर को सर और एक लोगे? क्लास एक और है ना, घंटे 11 बजे एक क्लास और है, 11 से 1। हाँ जी अच्छा सर, तो हो जाएगा ना, ठीक है, 10:30 तक ले क्योंकि और लीजिए। मैं दो ही क्लास लूंगा इसीलिए मुझे खत्म करना है, दो ही क्लास से मुझे पूरा लॉजिक खत्म करना है, मैं क्लास नहीं लूंगा।
है। हाँ भी तो ना सेल्फ स्टडी भी तो करनी है नहीं सर, जितना जल्दी हो जाएगा उतना हमारा सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल इसीलिए जाएगा मैं देख रहा हूँ कि नहीं तो आपका फिर क्या होगा, बाइडन हो जाएगा भाई। सर। नहीं नहीं सर आप ले लीजिए, पर 1 बजे के बाद ले लीजिएगा, फिर 1:30 बजे से 2:30 तक ऐसे। हाँ जी सर वो ठीक है, अभी सर 10:30 तक ले लीजिए, बिकॉज 11 बजे का क्लास है ना फिर। तो ठीक है ले मैं लीजिएगा देखता, 1:00 PM। ठीक है मैं देखता हूँ उसके बाद। आप पहले क्लास कर लो, क्योंकि फैलेसिस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फैलेसिस क्या होता है। वेस्टर्न लॉजिक ऑफ फैलेसिस, मैंने बोला था कि भाई इंडियन लॉजिक का फैलेसिस होता है, उसके बाद वेस्टर्न का भी होता है, तो दो प्रकार जब कहते हैं फैलेसिस होता है आपका। तो सबसे पहले फैलेसिस क्या होता है आपका कोर्स में सर, जो आपने बोला कि फैलेसिस फैलेसिस, ये फैलेसिस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैलेसिस? फैलेसिस मतलब होता है तर्क दोष। तर्क दोष पता है आपको? जहां पर आर्गुमेंट क्या हो, मतलब इररिलेवेंट हो। फॉल्स टाइप हाँ, आर्गुमेंट जहां में पर कुछ आर्गुमेंट क्या हो, इररिलेवेंट हो, को रिलेवेंट नहीं होता है, जो दोष आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फैलेसिस कहते हैं। उसका फैलेस का ट्रामी क्या, फैलेस का अर्थ होता है तर्क दोष या हेतुओं का आभास व भ्रम या भ्रांति जो होता है। इन सब का मीनिंग एक ही है, फैलेसिस का मीनिंग होता है तर्क दोष, हेतुआभास, भ्रम और भ्रांति। ठीक है, तो व्हाट इज फैलेसी, कि फैलेसी क्या होता है? फैलेसी आपका क्या है भाई? यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने अपने सब पढ़ लेना, मैं जो समझाऊंगा उसको समझना, ठीक है? यस और नो? क्योंकि आप यस जब सर मैं पढ़ाता हूँ आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपिक, बहुत सारे होता है, मैं टॉपिक में नहीं रहता, मैं आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ, उसमें रहता है तो थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है? तो मैं जो यूज करेंगे, जो बोलूंगा उसको याद रखना, ठीक है? जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि जो आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ पर इररिलेवेंट होता है, इसको याद रखना, उसको मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। फैलेसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर फैलेसी का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है कि इसका फैलेसी का मतलब होता है कि जहां पर आर्गुमेंट आपका क्या हो, इरिलेवेंट हो। आर्गुमेंट क्या हो, इरिलेवेंट हो बा इनवैलिड हो। इनवैलिड पता हो ना, इनवैलिड क्या होता है? इनवैलिड, इनवैलिड पता है क्या होता है? अगर साबित चीज सर, अवैध, हाँ असत्य, फॉल्स, अवैध, जो लीगल ना हो। अच्छा, अपने अपने मुसर लगाना लीगल नहीं हो। और भाई अवैधानिक सर, आपका जो है ना, आप सभी का, मैं क्या बोलू, कुछ कह नहीं सकता मैं। आप इतने लाखी हो सभी, जो मैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन था ना बहुत पिटता सबको, बहुत ही पिटता, ठीक है? बहुत लाखी हो कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, कि मैं उसी दिन पढ़ाया था कि वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट। वैलिड में क्या होता है, जहां पर प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों सही होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड वैलिड इनवैलिड क्या था? अमान्य, जो मतलब कंक्लूजन सही ना हो कंक्लूजन सर, सही ना हो। हाँ जिसमें प्रिमाइसेस और कंक्लूजन कंफ्यूजन में डाउट हो, हो सर यही बोला था, जिसमें यही बोला था वो मैंने। प्रिमाइसेस वो है उसमें, पर कंक्लूजन जो था वो फॉल्स होता है। जब कंक्लूजन असत्य तो निकल के आता है ना, यही तो बोला था मैंने कि जब कंक्लूजन फॉल्स होता है तब क्या होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, इनवैलिड कहते हैं। ठीक है, आप सभी को याद आया? सभी को बोले यस सर, हाँ थैंक सर यू। पढ़ रहा था, हाँ, पहले क्लास में पढ़ा था, अभी याद आया। बोले सर थोड़ा भूल गए थे ना उसीलिए। तो शब्दों की मार से याद आ गया सर। तो फैलेसिस मतलब क्या होता है, कि जहां पर आर्गुमेंट इनवैलिड हो बट हमें पता नहीं चल रहा है, कि पता नहीं चल रहा है क्या है, कि लेकिन वो क्या लग रहा है आपको, कि लेकिन आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आर्गुमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली क्या है, कि बट एक्चुअली वो क्या है, इनवैलिड है। ऐसा जो आपका लगता है, ऐसा जो आपका होता है, वो उसको हम फैलेसिस कहते हैं। तो एक वर्ड में, एक लाइन बताऊंगा तो फैलेसिस क्या होता है, कि फैलेसिस मतलब ऐसे होता है कि जहां पर आर्गुमेंट इनवैलिड हो और जहां पर आपको लगता है
कि भाई, लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है कि ये आर्गुमेंट सही हो, लेकिन वो सही नहीं होता, बट एक्चुअली वो इनवैलिड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसिस कहते हैं। चलो फैलेसिस क्या है, समझ में आया सभी को, बताना एक बार। सब भ्रमित करना है ना एक किस्म हाँ, से। भ्रमित करना। अरे तो मैंने बोला भ्रम, फैलेसिस मतलब तो भ्रम या भ्रांति, भूल, दर्शन। जी जहाँ पर हमने पढ़ते हैं ना, वहां पर याद करो, योग दर्शन में भ्रांति दर्शन याद है, कितने जी सर, नंबर मिथ्या सूत्र में था बताओ, कितने नंबर सूत्र में था? 30 है सर, सर फर्स्ट थर्टी का या 30, थर्टी या 29, जल्दी बताओ। 29 है सर, 29। एग्जाम दोगी, मैं बता रहा हूँ क्या था, थर्टी वैधि इच्छा संशय प्रमाण आलस्य अविरति हंत दर्शन, है भ्रांति सर, दर्शन थर्टी है ना? थर्टी ही है, थर्टी थर्टी है सही। व्याधि अभी भी स्थान कंफ्यूज आपको, संशय वहां वाला 30 या 29 अभी कंफ्यूज है सभी को, थर्टी है सर, व्याधि व्याधि स्थान संशय अलग अलग भूमिका प्रमाण 29 में क्या है फिर? 29 सर, तथा प्रत्येक चेतना धीगमो अप्यंतराय भावश्च। अच्छा हो सकता है, ठीक वही है है। सर, वही है सर, वही है। अच्छा तो भ्रांति दर्शन, जहां पर आपको दार दर्शन भूल दर्शन हो गया, इसका मतलब फैलेसी मतलब क्या होता है, कि जहां पर आप क्या हो, कि जहां पर आर्गुमेंट इनवैलिड हो, बट हमें पता नहीं चल रहा है कि सिम वैलिड, सिम मतलब क्या था, कि हो सकता है ऐसा लग रहा है कि वो जो आर्गुमेंट है बिल्कुल सही है, बट क्या एक्चुअली में इनवैलिड है। जैसा जो होता है, वो जो आर्गुमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसिस कहते हैं, कि फैलेसिस द कॉमन एरर ऑफ द रीजनिंग विल बी अंडर अंडरमाइन द लॉजिकल योर आर्गुमेंट, एंड फैलेसिस कैन बी आइदर कि इलेटमेंट ऑफ द, जो भी है आपको लेना, इरेलेवेंट पॉइंट होता है, जो समझा दे एक ही भाई वही है, कि जहां पर क्या हो कि भाई आर्गुमेंट इनवैलिड हो, आपको पता नहीं चल रहा कि वैलिड है इनवैलिड है सही, लेकिन आपको लग रहा है सही है, ऐसे जब बिल्कुल सही है बट एक्चुअली में इनवैलिड है, तो क्या आता है, उसको हम फैलेसिस कहते हैं। चलो फैलेसिस क्या है, समझ में आ गया, यस और नो? यस सर, तो जी भैया, फैलेसिस जो है वो जी आपको, सर, हम फैलेसिस को तीन जगह में फैलेसिस की बात करते हैं, एक आपका वेस्टर्न फैलेसी में, द्वितीय आपका इंडियन फैलेसी में, और आपका एक आपका जो नया है, जो ऐड हुआ है अगले साल में, फैलेसी इन ट्राम, एक नया एक आपका ऐड हुआ है आपका एग्जाम यूजीसी में, पहले नहीं क्वेश्चन आता था, अब बहुत सारे तीनों से क्वेश्चन आता है, वेस्टर्न फैलेसिस से, उसके बाद इंडियन फैलेसिस से, उसके बाद फैलेसी एंड ट्राम से, तो तीनों का जब पढ़ना है, तो ठीक ये है? टाइप नहीं, ऑफ फैलेसिस फैलेसिस टाइप नहीं है वैसे, मतलब हो सकता है टाइप ही है, लेकिन तीन प्यारा फैलेसी आपको पढ़ना है, इसलिए मैं तीन जो आपका फैलेसी आपको पढ़ना है, या वेस्टर्न फैलेसिस पढ़ना है, द्वितीय आपका इंडियन फैलेसिस जो हम हेतु आभास करते हैं, तृतीय आपका है फैलेसी एंड टर्म, टर्म आपने पढ़ा है ना, टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म पढ़ा है आपने सभी ने, टर्म सर, यस सर, पढ़ा है ना, टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म पढ़ा है ना सभी, जी सर, उस टर्म का जो जी फैलेसिस है उसका भी पढ़ना है, तो नया वो ऐड हुआ है 2021 में, ठीक है, तो उसको जानना है। तो फैलेसिस दो प्रकार होता है, एक आपका होता है फॉर्मल फैलेसी, एक होता है आपका इनफॉर्मल फैलेसी। तो फॉर्मल फैलेसी क्या होता है बताओ फिर, किसी को याद है, किसी को पता है कि फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, क्या हो सकता है फॉर्मल फैलेसी बताओ? सर, जिसमें आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो। नहीं, वो नहीं। हाँ, आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया, ठीक ठीक कि फॉर्मल फैलेसी रेफर टू द आर्गुमेंट है इन इनवैलिड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म दैट कॉल इज फॉर्मल फैलेसी, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया है ना सर, क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, ये सर नो? हाँ, नो सर, उसी ले कर रहा हूँ मैं, समझा यस रहा हूँ, सर, फॉर्मल फैलेसी के मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका फैलेसिस है, जहां पर आपको लग रहा है जो फॉर्म में गड़बड़ी कर, कि
फॉर्म में जब गड़बड़ी होते हैं, गड़बड़ी करना होता है, यहाँ पर लिखा है ना कि स्ट्रक्चर एंड फॉर्म इनवैलिड, दिख रहा है आपको सभी को, जहां पर फॉर्म का गड़बड़ी हो, ठीक है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब होता है लिखना, तो तरीका जो होता है स्ट्रक्चर, इसलिए कोई भी लिखा है रूप, देखो क्या, कोई भी रूप, रूप मतलब किसी भी चीज का कोई, हाँ स्ट्रक्चर और फॉर्म मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, तो तरीका जो है क्या है, तरीकों में गड़बड़ी करना जो फल से होता है, तरीको लिखने का जो तरीका है वह स्ट्रक्चर जो है उसमें गड़बड़ी करना जो आपका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसिस कहते हैं, ठीक है। जो आपका फॉर्मल फैलेसिस है तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये आपका फैलेसिस फॉर्मल फैलेसिस है, स्ट्रक्चर गड़बड़ी, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप झट से क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाना था सबको, वेन डायग्राम बनाना आता है ना, वेन डायग्राम जो मैंने सिखाया था सबको, आता है या नहीं आता है? तो वेन डायग्राम से, जो वेन डायग्राम है उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपका है स्ट्रक्चर सही है गलत है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपका वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, कि ऑल यूरोपियन क्रिस्टन, तो मैंने बनाया कि भाई जो आपका है ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका क्रिस्टन का गोला है, क्रिस्टन, इसके अंदर कौन आ गया, यूरोपियन, ये आपका यूरोपियन हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। आप कह रहा है कि ऑल रशियन आर क्रिस्टन, सारे जो रशियन है क्रिस्टन है, तो क्रिस्टन के अंदर कौन आ गया, वो रशियन आ गया, ये आपका आ गया रशियन। अब देखना यहाँ पर जो कंक्लूशन आएगा देखना, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो गड़बड़ है, देखना आप, मैंने क्या बोला कि जहां पर आपको लगेगा कि फॉर्म में, इसका मतलब कि जहां पर आपको गड़बड़ी लगेगा, फॉर्म में गड़बड़ी लगता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर में गड़बड़ी लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉर्मल फैलेसिस कहते हैं। जो भी फॉर्म आपका है, जैसे आपका वेन डायग्राम मैंने बना दिया, आप देखो यहाँ पर, जहां पर क्या स्ट्रक्चर देखो कि ऑल यूरोपियन और क्रिस्टन, कि सारे जो आपके यूरोपियन है वो क्या है, क्रिस्टन है, तो यूरोपियन किसके अंदर आएगा, क्रिस्टन के अंदर कौन है, यूरोपियन आ जाएगा, यस और नो, यस सर। दूसरा क्या करके, ऑल जो रशियन क्या है, क्रिस्टन है, वो भी क्रिस्टन के अंदर आ जाएगा। अब बताना मुझे कि रशियन और यूरोप मध्य, रशियन और जो यूरोप है इसके बीच में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है, कोई नहीं, अलग अलग है, तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है सही है, ये फॉर्म सही है, नहीं नहीं है, तो क्या होगा, इनवैलिड हो गया ना, रिपीट कर दीजिए सर। पहले 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 दो आर्गुमेंट सही थे, लेकिन जो लास्ट का जो आर्गुमेंट था उसमें अलग हो गया, क्योंकि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन तो सबको बोल, हाँ कंक्लूजन, क्रिश्चियन जो वही बता रहा हूँ कि जो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन में तो यूरोपियन भी आ रहे हैं, रशियन भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, इसलिए वो कंक्लूजन सही नहीं बैठ रहा है। एक बार आप मुझे समझा दो प्लीज, आप जो भी समझा रहे हो। अच्छा ठीक है, कौन हो आप? पूजा। पूजा जी, ठीक है, समझा रहा हूँ। फॉर्मल फैलेसी मतलब होता है कि जहां पर क्या हो, स्ट्रक्चर और फॉर्म में गड़बड़ी हो, ठीक है, ये तो पता है आपको, मैं जो बोला अभी तक जी, सिंपल लैंग्वेज में, कि जहां पर फॉर्म का गड़बड़ी हो, वह स्ट्रक्चर का गड़बड़ी हो, ठीक है। फॉर्म मतलब क्या होता है, वह स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है लिखने का तरीका गड़बड़ी हो। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है कि ऑल यूरोपियन क्रिस्टन, तो आप कैसे, जो यहाँ पर है कि आप कैसे देख, कैसे आपको पता चलेगा इसकी जो फॉर्म है, फॉर्म में गड़बड़ी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे झट से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो फॉर्म है गड़बड़ है या नहीं है, वैलिड है इनवैलिड है। तो मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया कि भाई ऑल जो क्रिस्टन है, एक क्रिस्टन बना दिया मैंने, ठीक है, एक क्रिस्टन का गोला है बड़ा सा, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि ऑल जो रशियन है क्या, तो ऑल यूरोपियन क्रिस्टन, कि यूरोपियन क्रिस्टन के अंदर कौन आ गया, यूरोप आ गया, और दूसरा कह रहा है कि ऑल रशियन क्रिस्टन, तो रशियन क्या आ गया, रशियन भी क्रिस्टन के अंदर आ गया ना, ये सर नो, यस। अब लास्ट वाला कह रहा है कि ऑल रशियन यूरोप, तो आपको लग रहा है ये जो आपको कंक्लूशन दिया सही बैठ रहा है,
स्ट्रक्चर सही है इनका। क्रिश्चियन यूरोपियंस नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला? उसको पढ़ने के बाद सेंटेंस को। तो आप जब वेन डायग्राम बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो आपका है स्ट्रक्चर फॉर्म में गड़बड़ी है, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। ऐसा आपको पता चलेगा, ऐसा आपको पता चल रहा है कि भाई ऑल रशियन यूरोपियन हो सकता है कि भाई रशियन भी यूरोपियन हो, लेकिन जब आप इसको फॉर्म बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखो यहाँ पर रशियन और यूरोप इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है, आपस में बीच में कोई रिलेशन है नहीं है ना, क्योंकि दूर दूर बैठा हुआ है तो हमें पता ही नहीं है इनमें दोनों में के बीच क्या रिलेशन है। मतलब जैसे ये दे रहा था क्वेश्चन में, उस हिसाब से तो सर तीन गोले बनने चाहिए, मतलब जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, तो आपने छोटे छोटे अंदर आर और ई के कैसे बना दिए? नहीं मेन तो ये क्रिश्चियन ही है ना, मेन तो क्रिश्चियन है, बट उन्होंने बोला है कि यूरोपियन और कौन सा रश। तो कह रही हूँ कि जैसे मतलब आपने ये डायग्राम ठीक है, मैं समझ गया वो सारी बात की, वो दो क्वेश्चन है कोई बताना, एक 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 जन बताना, उसके बाद मैं बताऊंगा। बताओ आपको, आपको क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बताओ आप। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने ये डायग्राम बनाया है, ये मतलब गलत कंक्लूजन आ रहा है वो तो ठीक है, बट ये डायग्राम आपने ऐसे कैसे बना दिया कि दो छोटे छोटे ई और आर कैसे बना दिए? जैसे बोल रहे कि ऑल यूरोपियन आर क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन का एक बड़ा गोला बना, तो यूरोपियन का गोला भी क्रिश्चियन के जितना ही होना चाहिए, और फिर ऑल रशियन आर यूरोपियन, तो उसका भी मतलब तीन ओवरलैपिंग सर्कल्स होने चाहिए, ये मैं कह रही हूँ, तब भी कंक्लूजन तो गलत ही आएगा, बट आपने ये डायग्राम छोटा वाला कैसे बनाया जो अभी बोर्ड पर बना हुआ है? मैं बताऊं सर, क्योंकि क्रिश्चियन के अंदर ही यूरोपियंस हाँ भी हाँ आ रहे हैं और बताओ बताओ रशियंस भी आ क्वेश्चन रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। बट जैसे कि हम वो ऑल क्रिश्चियंस को बोल रहे हैं ना यूरोपियन, ऑल क्रिश्चियंस को यूरोपियन बोल रहे हैं, तो फिर वो तो पूरा सर्कल मतलब ठीक है बराबर देखो सर्कल रुको होने रुको चाहिए ना सर, सर। इसको ना वैसे अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे पूरा क्रिश्चियन ले ठीक है लिया रुको रुको उसके अंदर रुको ठीक है, यूरोपियन। मैं बता रहा हूँ रुको, सभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ उसका जो कन्फ्यूजन है उसका क्वेश्चन है कि सर आपने राशन के गोला यूरोपियन गोला छोटा छोटा क्यों बनाया, ये सर नो यस सर, यही पर मैं ये बताऊं क्वेश्चन है ना। सर, तो मैं मैंने तो जो सर वेन आपको डायग्राम बता कराया दीजिए, आप था, समझ में आ रहे। जब मैंने वेन डायग्राम कराया था मैंने वो बोला था कि साइज इज डज नॉट मैटर, मैंने बोला था सबको याद आ रहा है जो मेरे क्लास लिया था पहले, सबको याद आ रहा है जी सर मैंने बोला था कि साइज इज डज नॉट मैटर, साइज आपको डज नॉट मैटर नहीं करता है। अब बताना मुझे और एक क्वेश्चन आप सभी से है, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम किस तरह का वेन डायग्राम बनाते हैं, प्रीमाइस वन का बनाते हैं प्रीमाइस टू का बनाते हैं, यस और नो? यस सर उसको हम ये क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसका यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया रहता है उसका हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर मान लो ये तीन ये दो क्या है प्रीमाइस है, यहाँ पर प्रीमाइस मैंने से नहीं लास्ट लिखा दे आर फोर, मैंने लास्ट लिख दिया दे आर कंक्लूजन फोर, हो गया दे आर हमारा, फोर और लास्ट यूरोप, तो ये क्या है कंक्लूजन है नहीं है, बताओ मुझे पहले कंक्लूजन है, बताओ। कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, इसलिए नहीं बनाएंगे उसका। अब बताना इसमें मैं उसको उसका डाउट जब मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, पहले आपने बनाया बताया कि सर आपने बोर जो है क्रिस्टन का गोला बड़ा बनाया उसका छोटा क्यों बना दिया, भाई ऑल यूरोपियन और क्रिस्टन, ऑल वाले में क्या होता है सब्जेक्ट जो क्या होता है वो बाहर छोटा आता होता है, सब्जेक्ट क्या है हमेशा प्रीडिक्ट के अंदर आता है, ये सर अंदर ना सब्जेक्ट हमेशा प्रीडिकेट का अंदर आता है नहीं बताओ मुझे। आता है यस सर, सर आता है तो मैंने बताया बोला यहाँ पर कि ऑल यूरोपियन जो है क्रिस्टन है, तो क्रिस्टन का मैंने एक बड़ा सा गोला बना दिया क्रिस्टन का, यूरोपियन आपको ये आपने छोटा बड़ा क्यों बनाया भाई, हो सकता मैं मान लो आपने बड़ा बनाया इसको दिक्कत कर दिया मैंने ना, वो जो ले लो एक बार एक ले लो जो मैंने क्रिस्टन का गोला छोटा बना दिया इतना बना दिया, आप दूसरा कह रहा है ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑल क्रिस्टन यूरोप, मैंने यहाँ पर यूरोप के ले लिया, आपने यूरोप का इतना बना दिया ठीक है, आप कह रहे कि ऑल रशियन क्रिस्टन, अब मैं क्रिस्टन को रशियन को कहाँ लो फिर, रशियन को मैं कहाँ लो ये भाई, सर। ये इसके अभी अंदर लो, जैसे आपने जो अंदर एक छोटा वाला सर्कल बनाया है, ये तो नहीं वो नहीं चीज डिटरमाइन ही नहीं कर रहा ना कि सभी सभी रुको रुको ऑल रुको पहले भाई यूरोपियन। भाई तुम्हारा क्वेश्चन में देता हूँ, पहले इसको समझ लो उसके बाद मैं लेता हूँ ना, पहले इसको समझ लो क्वेश्चन में लूंगा सबका क्वेश्चन लूंगा, आपका क्वेश्चन था कि मेरा क्वेश्चन है पहले मैं तो आपने बोला छोटा गोला बड़ा गोला क्यों बनाया, मैंने छोटा बना दिया इतना सा, उसके अंदर मैंने यूरोप का लिया बड़ा उसको भी बना बना दिया, अब मुझे बताओ दूसरा जो कह रहा है कि ऑल राशन क्रिस्टन, मैं राशन का कहा लू फिर भी, तब कह रहा है राशन का मैं क्रिस्टन का राशन का मैं यूरोप के अंदर ले लू फिर, यहाँ पर
तो कुछ और भी गलत हो जाएगा फिर, कि वो यहाँ पर तो कहीं नहीं रहा है कि यूरोप के अंदर रशियन है, वो तो कह रहा है कि ख्रिस्टन के अंदर रशियन है, तो मैं कैसे बनाऊँ फिर बताओ, बताओ आप ही बताओ मैं कैसे बनाऊँ। सर मतलब फॉर्मल फैलेसी में प्रॉपर वेन डायग्राम बनेगा ही नहीं। भाई यहाँ पर लिखा है ना कि फॉर्मल फैलेसिस फैलेसिस रेफर टू आर्गुमेंट दैट हैव एन इनवैलिड स्ट्रक्चर फ्रॉम दैट कॉल इज फ्रॉम एन फ्रॉम फैलेसिस। जहां पर स्ट्रक्चर में आपको फॉर्म में गड़बड़ी दिख रहा है, इनवैलिड दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसिस फॉर्मल फैलेसिस। जिसको मैंने यहाँ पर आपको इसी के लिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो फॉर्म है जो आपका है वो गलत है, उसी लिए मैंने आपको बोला कि भाई अपने भेंडे का बना लो। तो मैंने बोला कि जो क्रिश्चियन वाला एक बना लिया गुब्बारा सा गोला, इसके अंदर मैंने लिया यूरोप को छोटा सा करके, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब मुझे क्रिश्चियन के अंदर राजस्थान को भी लेना है, तो मैं राजस्थान को यहाँ पर ले लिया। तो बोला जितने बच्चे मेरे से सीखा है, ये गोला सही है गलत है बताओ मुझे। ये सही है सही सर, है, लेकिन ठीक उनका है। भी क्वेश्चन शायद पहली क्लास नहीं ली होगी, पर उनका भी डाउट वैसे वो है, ठीक है, बिकॉज उनका कहने का मतलब है जब ऑल है तो ऑल बराबर ही होता है ना, जब ऑल है सर मैंने तो सारी इसलिए वो क्लासेस ये ली है, पूछ इसलिए रही है सर, थोड़ा क्योंकि इस बारी शायद ये बात भी थोड़ा ऑल पे नहीं आ कंफ्यूजन रहा हो रहा है उनको, है। लेकिन ऑल तो अदरवाइज भी ठीक है, ये वाला में क्या होता है, ये होता है ऑल होता है, इसमें बता है आई में साम होता है। तो ऑल में क्या है, बड़ा गोला ठीक है, तो आपको तो यहाँ पर देखो फिर पहले क्या कह रहा है कि ऑल राशन है क्रिस्टन। अब बता दो आपको, मैं समझा रहा हूँ जो भी है आपको, मैं और समझा रहा हूँ ठीक है। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट करके जाऊंगा, मुझे क्लास ना भी लो आज मैं इसको कंप्लीट करके जाऊंगा। एक बच्चे को भी डाउट नहीं रखूंगा मैं यहाँ पर, ले लो मैं प्रीमाइस टू को बना रहा हूँ, प्रीमाइस वन को छोड़ दिया, प्रीमाइस टू को बना रहा हूँ कि ऑल राशन है क्रिस्टन। क्रिस्टन का बड़ा गोला ले लिया मैंने, राशियन के यहाँ पर ले लिया, राशियन ये वाला राशियन है। आपका नाम बताना मुझे, नाम देखने पहले कौन कह रहा है, क्वेश्चन किसका था बताओ मुझे पहले। सर वो सर्कल वाला क्वेश्चन मेरा था साक्षी साक्षी तुम्हारा था, सर, मुझे वो सब पता है कि उसको वो प्रिमाइसिस जो होता है उसको सॉरी प्रेडिकेट जो होता है उसे बाहर रखना होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट को रखना, वो सब मैं समझ गई सर, बट वो ऑल कह रहे हैं ना, तो फिर वो तो मतलब बीच में छोटा हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे लोग तो साइड वाले तो रह ही जाएंगे ना, ऑल तो आएगा ही नहीं ना, इसलिए मैं बोल रुको रही हूँ। रुको 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 रुको, साक्षी आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ थोड़ा बहुत यहाँ पर आ जाओ। अब मानो कि मैंने बनाया कि ऑल राशन क्रिस्टन ठीक है, अब राजस्थान का गोला बना दो, एक बना दो ख्रिस्टन का ये वाला है, यहाँ पे यूरोप बना दो, प्रीमाइस वन में ये है, प्रीमाइस टू में ये वाला है, प्रीमाइस वन वाला ये है, प्रीमाइस टू ये वाला है ठीक है। अब मान लो कि भाई ख्रिस्टन तो फिर एक ही गोला बनेगा, जो ख्रिस्टन तो दोनों में है ना, तो ख्रिस्टन के अंदर तो दोनों आ रहा है, ये सर नो साक्षी पहले समझना, ख्रिस्टन के अंदर दोनों आ रहा है नहीं आ रहा है, यूरोप और राशन जो पहले बताओ ये वाला। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये क्रिश्चियन और ये यूरोपियन का ना लेके, जैसे कि ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया में ये पूरा भारत देश है और इसमें लोग पंजाबी भी रहते हैं और बंगाली भी रहते हैं, तो सभी क्या इंडियंस हैं, उस चीज का बताना है, तो पंजाब से आए हैं कुछ, वहां से आए हैं, तो सब अपनी वो संस्कृति बताएंगे ना दैट मींस सर। सभी वैसे बंगाली भी ओवरलैप पंजाबी नहीं वाला है, गोला बन ही नहीं आपको सकता सर, जैसे ना हमारा ओवरलैप तो हो ही फेमस नहीं कोई सकता। बनाना है। हाँ साक्षी, लेकिन ओवरलैप वाला अच्छा गोला नहीं बन मैं कह सकता रहा ना हूँ ऑल साक्षी बोलने बता, पर, ये है ऑल बनने पर तो भाई ऑल तो एक ही गोला बनेगा, ऑल के अंदर क्या आता है, मैंने वही। बोला कि और ऊपर को होल के मतलब होल के अंदर क्या आता है, छोटा सा आता है जो ऑल ह्यूमंस आर गुड, गुड के अंदर कौन आएगा बताओ फिर। ऑल ह्यूमन आर गुड, ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड, तो गुड के गुड अंदर बड़ा कौन सर्कल आएगा। होगा और फिर मैन से छोटा सर्कल होगा उसके अंदर, गुड के अंदर मेन आएंगे तो मैन आएंगे, तो यहाँ पर तो वही कह रहा है कि क्रिस्टन के अंदर कौन आएगा, बड़ा सा गोला क्रिस्टन का होगा, यूरोपियन का आएगा। तो उसका क्वेश्चन के सर अब ऑल में यहाँ पर भी ऑल है, यहाँ पर भी ऑल है, तो अब ऑल का तो सभी का सेम होता है भाई, सभी का सेम है उसी तो मैंने, सभी का सेम होता है उसी लिए तो मैंने क्रिस्टन को भी एक ही बनाया है, क्रिस्टन ये तो क्रिस्टन में ओके है। सर, ठीक है, हो गया समझ गया समझ। जो मेन हो गया उसके लिए बड़ा बनाया है ना सर ने,
तीनों में तो क्रिश्चियंस दे रहे ना उसमें। ये आपका क्या है, ये आपका मेन है ना, क्रिश्चियन के अंदर दोनों आ रहा है तो ही तो बड़ा बनेगा फिर गोला। ऑल तो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, बुद्धिस्ट ऑल ही तो क्या, ऑल बड़ा धर्म होता है हमेशा। साक्षी गुस्सा हो चुका है मेरे मेरे क्लास में। आगे मुझे समझ गया। नहीं, साक्षी कह रहे सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, छोड़िए आप। नहीं सर मुझे आगे अच्छे से समझ में आ गया पूरा। ठीक है, जिसको आया समझ में समझा देना उसको, मैं मुझे जितना आया मैं समझा दिया। ठीक है, तो आगे नहीं बैठे सर हैं। बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने, समझ में आ गया ये। मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है आज, लग रहा है सही में लग रहा है। नहीं सर समझ से आ गया। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर चलो आपने दिल में ले ली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। कि फॉर्मा फिजिक्स होता है, कि फॉर्मा प्लस से क्या होता है, कि जहां पर आपका क्या होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म में गड़बड़ी होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मा फिजिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, अब आते हैं इन्फा फेलेसी। इन्फा फेलेसी क्या होता है, कि विल द इन्फा फेलेसी रिफर टू द आर्गुमेंट हैव द इनकार्नेट इंडिविजुअल प्रीमाइस। जहां पर क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जिस स्टेटमेंट का, कि वो फेलेसी जिसमें स्टेटमेंट क्या, स्ट्रक्चर क्या हो, मिस्टेक नहीं होता है, कि जहां पर जब स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ी नहीं होता है, जो लॉजिकल क्या, लॉजिकल फॉर्म में मिस्टेक नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फॉर्मा फेलेसिस कहते हैं। जहां पर क्या होता है, आर्गुमेंट सही होता है, उसमें क्या होता है, प्रिमाइस सही होता है, उसमें इनकरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जहां पर इनवैलिड इनलिमिट प्रीमाइस होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि फेलेसी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मिस्टेक, स्ट्रक्चर का कोई मिस्टेक नहीं होता है, या फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मा फेलेसिस कहते हैं। जहां पर आपका फॉर्म का गड़बड़ी होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल फेलेसी, जहां पर आपका फॉर्म का गड़बड़ी नहीं होता है, मिस्टेक नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मा फेलेसी। उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पर दिया मैंने इक्विवोकेशन ऑफ एम्बिग्युइटी। इक्विवोकेशन ऑफ एम्बिग्युइटी मतलब क्या है, किसी को पता है, बताओ एक बार। भाई नहीं बताओ, पता पता सर ये है तो यस एम्बिग्यूटी बताओ, मुझे तो जो नहीं बताओ, मुझे जो बताओ। त्रुटियां एम्बिग्यूटीज तो त्रुटियां या कमियां या गलतियां जो क्लियर सर चीजें, शब्दों में हाँ कोई अस्पष्ट हो बहुत अच्छा जो क्लियर बोला, शब्द को बोला ना है एक, बहुत अच्छा जो बोला है उसके, बहुत अच्छा आपने सही पकड़ा है कि इक्विवेशन एम्बिगेटिव मतलब क्या है। इक्विवेशन एम्बिगेटिव मैंने यहाँ पर इसीलिए एग्जांपल को लिया कि जहां पर क्या होता है, शब्द क्या होता है, शब्द का दोहरा मीनिंग होता है। ठीक है, शब्द का दोहरा मीनिंग होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म, कि आपका जो शब्द दो है उसका दोहरा मीनिंग होता है, कि ये फेदर ऑफ लाइट, लाइट इन कैन नॉट बी डार्क, दैट फेदर कैन नॉट डार्क। यहाँ पर जो देखो कि फेदर क्या है, जो पंख क्या है, कि ऑल जो क्या है, ये फेदर इज लाइट, ये क्या है, जो पंख क्या है, लाइट है, लाइट क्या है, जो लाइट आपका क्या है, लाइट थिंग क्या है, डार्क होता है, उसीलिए फेदर क्या है, फेदर कैन नॉट बी डार्क, वो क्या होता है, डार्क नहीं होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने बोला कि जहां पर मीनिंग का हेर फेर होता है, मीनिंग का दोहरा, शब्द का दोहरा मीनिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिग्युइटी। मतलब इसी का एम्बिग्युइटी मैंने यहाँ पर इसी लिया कि जहां पर स्ट्रक्चर कोई गड़बड़ी नहीं होता है, जहां पर मिस्टेक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो होता है आपका, कि मीनिंग जो शब्द है उसका दोहरा मीनिंग होता है। जैसे ये फेदर इज लाइट, तो फेदर क्या है यहाँ पर, एक सही टर्म है, लाइट को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइट का जो मीनिंग है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर लाइट का मीनिंग क्या है, अलग है। यहाँ पर लाइट का अलग मीनिंग है क्या है, वजन, वजन मतलब है ना वेट, इस यहाँ पर लाइट का मतलब होता है वजन, यहाँ पर लाइट का अर्थ होता है कलर। ठीक है, यार रंग, जो लाइट कलर होता है ना, पर है ना लाइट कलर, तो जहां हल्का पर अपना शब्द का दोहरा मीनिंग होता है, तो ये फेदर इज लाइट, जहां पे क्या मतलब, फेदर मतलब पंख होता है ना, ये पंख क्या है, ये पंख जो पंख होता है वजन होता है, भारी होता है, ये पंख क्या है, जो क्या है, जो पंख आपका है, जो लाइट क्या है, और जो क्या है वो कलर क्या है, डार्क है, इसीलिए ये फेदर कैन नॉट बी डार्क, इसीलिए फेदर क्या है वो डार्क नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, कि जहां पर शब्द का दोहरा मीनिंग होता है,
जहां पर स्ट्रक्चर कोई मिस्टेक नहीं होता है, फॉर्म का कोई मिस्टेक नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनफॉर्मल फैलेसिस कहते हैं। देखो यहाँ पर जो फॉर्म आपका बना है वो सही बना है, ये फैलाई लाइट, लाइटनेस कंडक्ट, किंतु यहाँ पर जो आपका था, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा था। देखो यहाँ पर कि राशियान क्रिस्टन राशियान ओपन, यहाँ पर स्ट्रक्चर गलत बन रहा था, यहाँ पर स्ट्रक्चर कोई मिस्टेक नहीं हुआ, स्ट्रक्चर सही बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको इनफॉर्मल फैलेसिस कहते हैं। सर तो इसका कंक्लूजन, सर तो इसका कंक्लूजन राइट निकल गया उस हिसाब से। हाँ बोलते हो ना, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर स्ट्रक्चर का मिस्टेक नहीं है ना, तो स्ट्रक्चर कोई मिस्टेक नहीं है। देखो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है वो सही दिया है ना, कि तो कंक्लूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो है स्ट्रक्चर सही है, फॉर्म भी सही है, इसको भी क्या कहते हैं, इनफॉर्म फैलेसिस कहते हैं। ठीक है, सर तो कंक्लूजन राइट थोड़ी ना है, फेदर तो वो है, फेदर डार्क कैसे हो सकता है? भाई कंक्लूशन सही नहीं है, ठीक है, किंतु उसका जो मैंने क्या बोला कि आप स्ट्रक्चर कंक्लूशन छोड़ दो, मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर सही है, नहीं बताओ मेरे तो यस सर, प्रीमाइज स्ट्रक्चर कहाँ तो से। सही हाँ है। तो स्ट्रक्चर पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो कंक्लूशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्रीमाइज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर स्ट्रक्चर गड़बड़ी होता है वो आपका होता है फॉर्मल, जहाँ पर स्ट्रक्चर गड़बड़ी नहीं होता है वो आपका होता है इनफॉर्मल, कोई मिस्टेक नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है, और इनफॉर्मल मैं सर क्या समझ ये वाला समझ में नहीं आया में नहीं आया, सर। मुझे लगता है इसमें जो जो फैलेसीज आ रहा है, जो गलती हो रही है, वो ये हो रही है कि जो वर्ड है ना लाइट, इसका मीनिंग हम अलग ले रहे हैं। लाइट वैसी के दो वही मीनिंग वैसी। है, एक में हम लाइट से ले रहे हैं मतलब प्रकाश उजाला, और एक में हम उसका वेट से ले रहे हैं। हाँ वही वही, अच्छा जो बोला वही सही है, कि जहां पर जो शब्द का हम दोहरा मीनिंग निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखो आप शब्द का दोहरा मीनिंग निकाल रहे हो कि ये फेदर इज लाइट, कि लाइट इज कैन नॉट डार्क, फेदर इज कैन नॉट बी डार्क, तो जहां पर जो आपका शब्द का दोहरा मीनिंग आपका यूज करते हैं फिर, ठीक है, कि मीनिंग लाइट तो जैसे आपका साइट है, साइट दो वर्ड होते हैं, साइट होता है ना, ये साइट का दो मीनिंग होता है उसका भी, यस और नो, जैसे साइट का भी अलग अलग वर्ड मीनिंग होता है, जैसे लाइट का भी यहाँ पर अलग अलग वर्ड दिया है, मीनिंग दिया है, तो इसीलिए इसका हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म फैलेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, फैलेसी ऑफ डिविजन, इसको जितना पढ़ाऊंगा आपको याद रखना, नाम याद रखना है, समझने वाली बात थोड़ा बहुत है, आज थोड़ा आपने यहाँ पर रटना है, ठीक है, क्या आपका कहने का मतलब वर्ड का डबल मीनिंग। हाँ उसका डबल मीनिंग यहाँ पर जहाँ पर होता है उसको हम कहते हैं इन्फॉर्म फैलेसी कहते हैं, शब्द का दोहरा मीनिंग, डबल मीनिंग उसी को। अब आते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मतलब क्या होता है पहले बताओ, ये वाला डिवीजन मतलब क्या होता है, सर एक्सक्यूज मी, कल कर लें ये, आधे घंटे बाद फिर सर दूसरी 2 घंटे की है क्लास। घंटे भी नहीं है आपका और क्लास कब है, 1 से लेकर 11 से लेकर 1 बजे तक, 1 बजे तक, 1 बजे के बाद ले लो सर, 1 बजे ले लो सर, कल कर लेंगे ना, अब तो थोड़ा सा ही बचा है, हो जाएगा। आज में कर देते ना, हमारी फिर छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, आप जैसे के हो सभी, कर ले, बाद में ले लीजिए सर सर। यदि आपके पास आज ही टाइम है तो आप बाद में ले लीजिए, मेरे पास एक डेढ़ टाइम बजे सर के 1.5 बजे के बाद। 1:30 बजे ठीक है, अभी तो फिर सर दूसरी क्लास, 1:30 बजे ले लो। अच्छा ठीक है, मैं तो अरुणा जी आप थोड़ा बंद कर दो रिकॉर्डिंग, मुझे सबसे बात करना है मुझे।